नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्नेक रेस्क्यू टीम बिलासपुर में स्वागत है। हमें बिलासपुर से रतनपुर जहाँ भैरव बाबा मंदिर है वहाँ एक घर से हमें फ़ोन आया था कि हमारे घर में एक रसल वाइपर सांप है, तो चलिए आके देखते हैं कि वो सांप सही में रसल वाइपर है कि नहीं है। लो इसका मुंडी बैठा हुआ, लकड़ी की करके हटा दे, जब उसी को हटाओ नहीं तो भागेगा। छिट इसको हटाओ, सीधे इसको हटाओ, ये गिरेगा ऊपर से। इसको 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 हटाओ ना, तुम हटाओ अपने हिसाब से। हटाओ ना ऊपर से। अरे नहीं, शांत रहा, शांत शांत। चलो बॉडी बचा के चलिए, आप पीछे जाइए। हाँ, ओ भैया थोड़ा आप उधर दूर जाइए प्लीज, मार देगा सांप। चलो नमस्कार। ये हम लोगों ने इस साल हमारे एनजीओ की तरफ से एक कैलेंडर लॉन्च किया था, और ये महज एक कैलेंडर नहीं है कि आप अपने घर पे टांगे और सिर्फ तारीखें देखें। इसके लिए कैलेंडर हम लोगों ने नहीं बनाया था, हम लोगों ने पर्टिकुलर हर सांप से रिलेटेड कि उसके हर सांप के साथ उसके बगल में काटने का लक्षण दिया हुआ है कि अगर काट ले तो क्या होता है। जैसे फ्रंट पेज पर हम लोगों ने पहले वाले पेज पर किंग कोबरा का दिया है, दूसरे पेज में हम लोगों ने कोबरा का दिया है। बकायदा ये सांप की फ़ोटो पहचानने के लिए, उसका नाम, लोकल नेम और साथ में उसके काटने के लक्षण, उसका करैत, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में कन्फ्यूजन होता है। तो ये कैलेंडर हम यहाँ देना चाहते हैं ताकि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रहे। हाँ, और ख़ासकर घर की गृहिणियों को ज़रूर जानकारी होना चाहिए, क्योंकि भाई घर के मर्द तो काम करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सामना इन्हीं को करना पड़ता है, इसलिए इनको जानकारी होना सबसे ज़रूरी है। देखिए बहन जी, इस कैलेंडर में खास करके ये कैलेंडर तो है, जिस तरह से हमारे बताया, इस कैलेंडर में हमने इस लास्ट पेज पे मुख्य ये बात दिए हैं कि भारत में सर्पदंश होने वाली मृत्यु मुख्यतः इन चार सांप के काटने से होते हैं, कोबरा, करैत, रसल वाइपर, सॉस्किल वाइपर। उसके बाद सांप के जहर के वैनम ग्लैंड, मैंने जहर के दांत के जो फंक्शन कैसे होती थैली वो दिए हैं। काटे हुए निशान से आप कैसे जानेंगे कि आपको जहरीले ने काटा कि बिना जहर वाले ने काटा। उसके बाद काट देने के बाद मरीज को कैसे रिकवरी पोजीशन पे रखना है, लिटाना कैसे है, फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई बाबा बैगा गुनिया के पास नहीं जाना है। इस तरह से हम आपको कैलेंडर देने का मतलब यही है कि चार लोगों को आप जागरूक कर सको और लोगों तक एक मैसेज जाए और सर्पदंश से होने वाली मृत्यु संख्या में कमी आ सके। इसको रखिए और चार लोगों को बताइए। धन्यवाद।